आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा मार्ग का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा 8 सितंबर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पर नई एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट बैठक में देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। कांग्रेस ने आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर ताने कसे, साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर भी हल्ला बोला। भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी। दिल्ली के एलजी के मानहानि के नोटिस पर आप नेता संजय सिंह ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोटिस को प्रेस के सामने फाड़ दिया। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले, संवैधानिक पद अपमान किया गया है, जब भी इनके खिलाफ कोई जाता है तो उनका अपमान करने लगते हैं। योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा निशाने पर लेकर हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। पंजाब खजाने में आई कमी, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 6 दिन की देरी। सितंबर महीने में 6 दिन बीत चुके हैं और अब तक पंजाब की भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी नहीं दे पाई है। पंजाब में चर्चा शुरू है कि राज्य सरकार फंड की कमी के कारण ये सैलरियां नहीं दे पाई है। असम में अब लोग खुद ही तोड़ रहे हैं मदरसे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले, ये अलकायदा के दफ्तर थे। पंजाब सीमा पर बीएसएफ ने पकड़ी 38 करोड़ की हेरोइन, पाकिस्तानी तस्करों की साजिश नाकाम। पाकिस्तान ने पहली बार लश्कर के आतंकी को अपना माना, भारतीय सेना ने सौंपे शव। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में समय समय पर पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनाहगार देश बताया है। हालांकि पड़ोसी मुल्क इस बात से लगातार इनकार करता आ रहा है और पहली बार एक आतंकी को उसने अपना माना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 1991 में सोवियत के विघटन के बाद यूक्रेन से युद्ध एक टर्निंग पॉइंट है। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें फायदा ही हुआ है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।